तो दोस्तों 16 दिसंबर यानी कि कल फ्राइडे को अवतार 2 रिलीज हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अवतार का 1 रिकैप दिया जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एसके रिव्यू यूट्यूब चैनल। आज मैं रिकैप करूंगा अवतार मूवी का, तो लेट्स स्टार्ट। कहानी स्टार्ट होती है सन 2154 में, जहाँ पर हम स्पेस के अंदर बहुत बड़ा स्पेसशिप देखते हैं। वहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में, मतलब अर्थ में नेचुरल रिसोर्सेस ख़त्म हो जाता है, इसलिए लोग स्पेस में रहते हैं, एक ग्रह ढूंढते हैं जहाँ पर उन्हें नेचुरल रिसोर्सेस मिले। सो नेचुरल रिसोर्स को फाइंड करने के लिए एक नया ग्रह देखते हैं जिसका नाम रहता है पेंडोरा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक सली, जो कि इस कहानी का हीरो रहता है, वो दोनों पैर से हैंडीकैप रहता है, क्योंकि 6 साल पहले जंग के दौरान उसने अपने दोनों पैर खो चुकी होती हैं। फिर हम देखते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट का डॉक्टर ग्रेस रहती है, और उसमें आर्मी ऑफिसर का हमने देखता है कि कर्नल मास्की रहता है, और उस प्रोजेक्ट के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर जो है फाइनेंस रहता है पीटर को हम देखते हैं। जितने भी मैंने कैरेक्टर बताया हूँ, वो लोग पेंडोरा के ग्रह में जाते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ की ज़मीन के नीचे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एटॉमिक एनर्जी है, वो सब लोग ले लेंगे, छीन लेंगे और अपने अर्थ में यूज़ करेंगे। तो इस कहानी बेसिकली स्टोरी ये रहती है इन लोगों की। अब पेंडोरा जो ग्रह है वहाँ पर कबीला रहता है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे लोग नावी लोग रहते हैं। नावी मतलब उन लोग, वहाँ के लोग इंसान जैसे ही थे, बट वहाँ पर बहुत ही लंबे लंबे 6-8-10 फुट के नावी लोग रहते थे, जिनकी पूछ होती थी, 2 लंबे कान रहते थे। तो अब यहाँ पर जो कर्नल एंड डॉक्टर ग्रेस जो है, वो क्या कहते हैं कि पेंडोरा ग्रह में जाकर हम वहाँ के लोगों के रहन सहन जीतेंगे, उन लोग के साथ बातचीत करेंगे, और उन लोग को फिर उन लोग को मना कर उन लोग से जितने ज़मीन के नीचे जितने भी एटॉमिक एनर्जी है वो सब हम ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग इंसान उन लोग की जैसा पहले बनना पड़ेगा। तो उन लोग हमारे हीरो को जैक को उनकी तरह बनाते हैं, क्योंकि उन लोग पहले एक क्लोन बनाते हैं, उनके ही जैसा एक क्लोन बनाते हैं, जिसे अवतार कहा जाता है, ठीक है गाइस। तो उन लोग जैसे ही अवतार को बना लेते हैं, तो हीरो का डीएनए और ब्रेन पावर वो सब क्लोन्स में डाल देते हैं लोग, और हीरो को एक चेंबर में बंद कर देते हैं। जैसे ही वो गहरी नींद में सो जाएगा जैक, उसी तरह वो उन लोग की दुनिया में जाग जाएगा, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर ग्रेस और भी कई सदस्य लोग इसी तरह क्लोन्स बनाकर उस दुनिया में चले जाते हैं। अब वहाँ पर चले जाने के बाद उन लोग रहन सहन जीतते हैं, वहाँ पर हीरोइन निटीरा की एंट्री भी होती है। वहाँ पर लोग अपने कबीले में हीरो को जैक को अपनाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उन लोग का जानवर को पकड़ना, जानवर की रेस वैसे सब होता है, और साथ ही साथ उन लोग को यहाँ पर कर्नल बोलता है कि वहाँ पर जाके उन लोग को नेचुरल रिसोर्सेस लेना है जाकर। लेकिन उन लोग वहाँ पर जब रहते हैं, जैक और डॉक्टर ग्रेस वहाँ पर जाके कबीलों के साथ जब रहते हैं, तो उन लोग की फैमिली, उन लोग का इमोशन जाग जाता है। उन लोग सोचते हैं कि नहीं, हम इन लोग के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन लोग क्या करते हैं, डॉक्टर कर्नल को मना कर देते हैं कि हम लोग छीन के नहीं लाएंगे। और उन लोग के पास एक और बहुत बड़ा एक देव रहता है, जिसका देवी लोग मानते हैं उस पेड़ को, उन लोग बहुत पूजा करते हैं। तो लोग कर्नल को डॉक्टर ग्रेस जैक बोलते हैं कि हम वो मना नहीं करके, हम लोग के साथ धोखा नहीं कर सकते। फिर क्या, तब गाइस उन लोग डॉक्टर कर्नल इंसानों और अपनी मशीनों के साथ इन लोग की धरती में आ जाते हैं, कबीलों के अंदर आ जाते हैं, पूरा सत्यानाश कर देते हैं। लास्ट में इन लोग क्या करते हैं, जितने भी नाभी लोग हैं, डॉक्टर ग्रेस, जैक और निटीरा उन लोग के साथ रहने लग जाते हैं, और इन लोग को कर्नल एंड पीटर जो है उन लोग को मार देते हैं, और जैक और डॉक्टर ग्रेस अब नावी ही, मतलब इन्हीं पेंडोरा ग्रह में रहने लग जाता है, और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर गाइस एक और भी है कि जो डॉक्टर, जो जैक है, अब वो अब हमेशा के लिए अवतार बन चुका है। अब वो दोबारा चैम्बर में जाना, फिर चैम्बर से उठना, अब वो ऐसा नहीं रहेगा। अब वो देवियों का जो बहुत बड़ा पेड़ रहता है, उसे पूजा करके उन लोग ने, जितने भी नाभी लोग हैं, उस जैक को हमेशा की तरह अपनी तरह बना लेते हैं। तो यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है गाइस। तो ये जो जेम्स कैमरॉन की जो डायरेक्टर है, इसके अंदर जो कहानी है बहुत ही सुपर है गाइस, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने CGI VFX देखा है वो तो आउटस्टैंडिंग है गाइस। 12 साल पहले बनी हुई ये फिल्म 2009 की अवतार फिल्म, कहीं से भी लगती नहीं है कि ये उस टाइम की मूवी है। आज भी हम ये मूवी देखेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, ये मूवी देखने में मज़ा आती है, लगता ही नहीं कि ये इतनी पुरानी पिक्चर है। तो वेल गाइस, अवतार की तो बहुत करोड़ कमाई थी, जो कि इसने जो डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन टाइटैनिक, टर्मिनेटर ऐसी बेहतरीन मूवी बना चुका है। तो अब कल जो अवतार 2 आ रही है, सेम इसी का सिक्वल है, जो कि द अवतार 2 द वे ऑफ वाटर है,
ठीक है गाइज, तो इसका ही मुझे लगता है कि सेम इसकी भी स्टोरी दमदार रहेगी, इसका CGI VFX आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो वेल गाइज, देखते हैं कि अवतार 2 कैसी रहती है। रेडी रहना मैं मेरी मूवी के रिव्यू के लिए। जब तक के टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।